हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वे कोचिंग क्लासेस। माय सेल्फ रवीना बोराना। आज हम हमारा चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का लास्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको हार्वेस्टिंग के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। क्रॉप जब मैच्योर हो जाती है तो उसे काटा जाता है हमारे मेन फील्ड से, उसे हम क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग। अलग अलग मेथड्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। सिकल जो है यूज होता है, सिंपल सा इंप्लीमेंट आता है, हार्वेस्टर यूज होता है, ठीक है। अब हार्वेस्टिंग के बाद हमारा काम होता है स्टोर करना। क्या काम होता है? हमारी क्रॉप को स्टोर करना, ठीक है। बिकॉज जब क्रॉप प्रोडक्शन ज्यादा होता है तो हैंड टू हैंड जो है हम उसे मार्केट में सेल नहीं कर सकते। ऐसे में जो है लॉन्ग पीरियड के लिए, कुछ पीरियड के लिए हमें उसे स्टोर करना होता है। तो आज हम हमारा लास्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, दैट इज स्टोरेज, हम डिस्कस करने वाले है, ठीक है। द फ्रेश क्रॉप हैज मोर मॉइस्चर, ठीक है। बिकॉज जब क्रॉप को जो है हार्वेस्ट किया जाता है फील्ड से, तो उसमें जो है नमी होती है, मॉइस्चर होता है, ठीक है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है, ऐसे में अगर हम डायरेक्ट जो है हमारी क्रॉप को अगर हम स्टोर करेंगे तो वो जो है मॉइस्चर की वजह से क्रॉप जो है वो खराब हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा काम होता है कि सबसे पहले हमारी क्रॉप को हमें ड्राई करना होता है। क्या करना होता है? ड्राई करना, सनलाइट में जो है उसको सुखाना होता है। उसके बाद जो है हम उसे स्टोर करते हैं, ठीक है। ग्रीनरीज में उसे स्टोर किया जाता है। देखिए, इस किस टाइप की जो है ग्रीनरीज होती है उसमें जो है क्रॉप्स को स्टोर किया जाता है। तो पहला काम है हमारा कि क्रॉप को ड्राई करना, अच्छे से ड्राई करना, उसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर ना रहे। द ग्रेन शुड बी ड्राइड बिफोर दे आर स्टोर्ड, दिस प्रिवेंट द अटैक बाय इंसेक्ट, ठीक है। बिकॉज अगर उसमें मॉइस्चर रह जाएगा तो उस पर इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया, फंगाई जो है वो अटैक करेंगे और हमारी सारी मेहनत जो है वो खराब हो जाएगी, ठीक है। तो पहला काम है जो है उसे ड्राई करना और इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया और फंगाई से उसको प्रोटेक्ट करना। दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट, रेट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, ठीक है। उसके अलावा जो है रैट्स वगैरह होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चूहे वगैरह भी जो है कई बार जो है हमारी क्रॉप को जो है खराब कर देते हैं। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम ऐसी जगह पे जो है हमें स्टोर करना है, ऐसी जगह पे स्टोरेज करना है जहाँ पे जो है रैट्स वगैरह जो है वो अटैक ना कर पाए। इस बात का भी हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। फार्मर्स स्टोर देयर ग्रेन इन जूट बैग्स, किसमें स्टोर करते हैं? आपने देखा होगा जूट बैग्स होते हैं जिसे हम बोरी कहते हैं, ठीक है। बोरियों में भर के जो है उसे क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, जिसे हम गनी बैग्स के नाम से भी जाते हैं। और कुछ जो है मेटालिक बीन्स, ठीक है, मेटल बीन्स जो कंटेनर होते हैं उसमें भी स्टोर किया जाता है। लार्ज स्केल स्टोरेज इज डन इन सिलोस, ठीक है। ये तो हो गया नॉर्मल जो प्रोडक्शन होता है, लेकिन कई जब बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है, बहुत बड़े लेवल पे प्रोडक्शन होता है, तो उसको गनी बैग्स में स्टोर करना जो है काफी मुश्किल होता है, ठीक है। पॉसिबल नहीं होता है कि हम अलग अलग गनी बैग्स में इतने सारे प्रोडक्शन को स्टोर करें। तो ऐसे में जो है हम सिलोज यूज करते, क्या कहते हैं, सिलोज और ग्रीनरीज यूज होती है उसे स्टोर करने में, ठीक है। आगे मैं बताऊंगी सिलोज क्या होते हैं। सिलोज जो है एक टाइप के बहुत ज्यादा बड़े जो है कंटेनर होते हैं जिसमें जो है स्टोर किया जाता है। सिलोज आर बिग एंड टॉल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। इस तरह से होता है, देखिए सिलेंड्रिकल शेप में जो है सिलोज होते हैं, ये बहुत बड़े होते हैं। दे आर स्टोर डिफरेंट स्टॉक्स ऑफ फूड आइटम, इसमें अलग अलग फूड आइटम जो है स्टोर होती है अलग अलग लेवल पे। ऐसा नहीं है कि पूरे में एक ही, ठीक है, अलग अलग लेवल पे जो है इसमें अलग अलग फूड आइटम्स जो है अलग अलग लेवल पे स्टोर होती है, ठीक है। और हम जब चाहे, हमें जिस भी टाइप के जो है फूड की जरूरत है, हमारी डिजायर्ड के अकॉर्डिंग हम अपनी इच्छा से जो है उसमें से विड्रॉ भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। इन अवर कंट्री Most of the farmer depend on rainfall for irrigation, ठीक है। हमारे देश में जो farmers है most of जो है वो बारिश पे depend होते हैं irrigation के लिए। उनको जो है canals वगैरह की facility नहीं होती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ irrigation के लिए बारिश पे depend होते हैं, ठीक है। तो इसलिए उनको क्या करना पड़ता है, कुछ stocks जो है grains का वो उन्हें रखना पड़ता है, ठीक है। सम स्टॉक्स ऑफ ग्रेन मस्ट बी मेंटेन टू कंपेंसेट फॉर द शॉर्टेज ड्यू टू फेलियर ऑफ मॉनसून, ठीक है।
तो जब वो बारिश पे डिपेंड होते हैं तो ऐसे में हो सकता है किसी साल बारिश ना हो, मानसून प्रॉब्लम हो जाए, तो ऐसे में जो है उसके पास कुछ तो स्टोरेज होना चाहिए जिससे वो क्या कर सके, उसको यूज कर सके, ठीक है, डिफिकल्ट टाइम में। तो इसलिए जो है इंडिया के जो फार्मर्स है मोस्ट ऑफ जो है कुछ जो है ग्रेन्स का स्टोरेज करके रखते हैं, ठीक है। तो मॉनसून प्रॉब्लम की वजह से जो है वो स्टोरेज करके जो रखा जाता है, इस स्टोरेज को हम बफर स्टॉक कहते हैं, ठीक है। यानी मॉनसून प्रॉब्लम की वजह से जो हम जो है एक्स्ट्रा ग्रेन्स को स्टोर करके रखते हैं डिफिकल्ट टाइम्स के लिए, उसे बफर स्टॉक कहा जाता है। अब फूड फ्रॉम एनिमल्स, ठीक है, हमने पूरे चैप्टर में डिस्कस किया है कि हमें सिर्फ फूड के लिए जो है सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स पे डिपेंड रहना पड़ता है, बिल्कुल रहना पड़ता है। लेकिन आपने देखा होगा कि वर्ल्ड में या इंडिया में जो है कुछ लोग जो है वो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, ठीक है, वो सिर्फ जो है वेज नहीं खाते है, तो कुछ लोग आपने देखा होगा फिश पे डिपेंड होता है, एग्स खाते हैं, ठीक है, मीट खाते हैं, तो वो भी एक टाइप का फूड होता है। तो वो फूड हमें किससे मिलता है, एनिमल से, ठीक है। तो कुछ पार्ट ऑफ फूड जो है वो हमें एनिमल से भी मिलता है, आपका मिल्क है, एग है, मीट है, ये सब हमें एनिमल से मिलता है। मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरिया कंज्यूम फिश, कोस्टल एरिया पे रहने वाले मोस्ट ऑफ लोग जो है फिश को जो है ज्यादा कंज्यूम करते हैं एज अ मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट, ठीक है। क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है, जैसा कि हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा कि क्रॉप प्रोडक्शन में बहुत से स्टेप्स होते हैं, ठीक है, जैसे प्लगिंग, फिर हम सीड सेलेक्ट करते हैं, फिर सो करते हैं, इरिगेशन करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, तो बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है। तो ठीक उसी तरह जो है हमें एनिमल्स को भी जो है अगर हम अपने घर में या अपने फार्म में रख रहे हैं तो हमें उनका भी जैसे कि हम प्लांट का ध्यान रखते हैं, ठीक उसी तरह हमें एनिमल्स का भी जो है ध्यान रखना होता है, उनको प्रॉपर फूड देना, उनको अच्छे से शेल्टर प्रोवाइड करना, उनकी केयर करना, तो हमें उनका भी बहुत ध्यान रखना होता है। When this is done on a large scale, ठीक है, लेकिन जब उसको as a business, ठीक है, as a business जो है production के लिए जो है हम animals को रखते हैं बहुत ही बड़े level पे, तो इसको हम animal husbandry कहते हैं। क्या कहते हैं? Animal husbandry, ठीक है। जैसे बहुत सारे जो है eggs, आप egg का example ले लो, तो बहुत सारे जो है hens जो होते हैं उसको हम रखते हैं, ठीक है। अब मिल्क के लिए हम बहुत सारी जो है काउज रखते हैं, ठीक है, एक दो नहीं थाउजेंड्स में रखते हैं, ठीक है। तो जब हम लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन के बेस पर जो है एनिमल्स को रखते हैं, उनकी केयर करते हैं, तो इसे एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है। नाउ इफेक्ट्स ऑफ क्रॉप ऑन एनवायरमेंट, ठीक है। वैसे ये जो टॉपिक है आपके सिलेबस में नहीं दे रखा है, लेकिन फॉर योर नॉलेज आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि जो क्रॉप्स होती है उसका हमारे एनवायरमेंट पे क्या असर है, क्या इफेक्ट्स है। सो क्रॉप क्लीन द एनवायरमेंट, जो क्रॉप्स होती है वो हमारे एनवायरमेंट को क्लीन रखने में काम आती है। क्रॉप मेंटेन द ह्यूमिडिटी इन एटमोस्फियर, एटमोस्फियर में ह्यूमिडिटी को जो है मेंटेन रखने का काम क्रॉप्स करती है। क्रॉप्स आर हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटिंग द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन और CO2 का जो अमाउंट है उसको मेंटेन करने का काम भी जो है क्रॉप ही करती है। दे रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, जो हमारे आसपास का वातावरण का जो टेम्परेचर है उसको भी रेगुलेट क्रॉप रखती है। क्रॉप प्रोटेक्ट द अपर फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल फ्रॉम स्टॉर्म्स, विंड एंड फ्लड्स, ठीक है। क्रॉप जो है जो हमारी टॉप लेयर होती है, मैंने आपको शुरू में बताया था जो टॉप लेयर होती है वो ही जो है मेन हमारे प्रोडक्शन में काम आती है। तो जो क्रॉप्स है, ठीक है, फ्लड से, तेज हवा से, आंधी तूफान से जो टॉप लेयर है, जो फर्टाइल जो लेयर है वो जो है उड़ के ना जाए, सॉइल इरोजन ना हो, तो उसको भी प्रोटेक्ट करने का काम क्रॉप ही करती है। क्रॉप लेसर एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, क्रॉप जो है वो एयर और वाटर पॉल्यूशन को भी कम करती है। क्रॉप प्रोवाइड लाइफ एंड प्रोटेक्शन टू द एनिमल्स, क्रॉप जो है वो एनिमल्स को जो है प्रोटेक्शन और लाइफ प्रोवाइड करती है, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये जो चैप्टर है समझ आया होगा। आज का हमारा लास्ट टॉपिक, ठीक है, आज मैं आपको
डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन के बारे में बताऊंगी, वैसे ही इनके बारे में आपको आपके सिलेबस में नहीं दे रखा है, बट फॉर योर नॉलेज मैं आपको बताना चाहूंगी, ठीक है। डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन, इनका जन्म जो है 7 अगस्त 1925 में हुआ था। ये एक इंडियन जेनेटिस्ट थे। जेनेसिस्ट क्या होता है? द वन जो कि जो है हेरिडिटी के बारे में जो स्टडी करते हैं उन्हें हम जेनेटिस्ट कहते हैं, ठीक है। इज अ जेनेटिस्ट एंड इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेटर रिनोन्ड फॉर हिज लीडिंग रोल इन इंडियाज ग्रीन वैराइटीज रिवॉल्यूशन, अ प्रोग्राम अंडर विच हाई यील्डिंग वैराइटीज ऑफ वीट एंड राइस सीडलिंग वर प्लांटेड, ठीक है। इनका रोल जो है हमारे इंडिया के ग्रीन रिवॉल्यूशन में बहुत ज्यादा रहा है। एक प्रोग्राम था जिसके अंदर जो है वीट और राइस को जो है के वीट और राइस की जो क्रॉप है उसके जो हाई यील्डिंग जो अच्छे जो सीड्स है उसको जो है एक पुअर फार्मर के जो है फील्ड में जो है प्रोड्यूस किया गया था, सो किया गया था, और उससे जो है हमें काफी ज्यादा हाई यील्डिंग वैराइटीज ऑफ सीड मिले थे हमारे इंडिया में, ठीक है। और इन्हीं की वजह से जो है हमें हाई यील्डिंग वैराइटीज ऑफ सीड जो है प्रोवाइड हुए, उसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन बढ़ा। स्वामीनाथन इज नोन एज फादर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपको जीके में भी पूछा जाता है। डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया के नाम से भी जाना जाता है फॉर हिज लीडरशिप एंड सक्सेस इन इंट्रोड्यूसिंग एंड फर्दर डेवलपिंग। किस लिए? बिकॉज उनकी लीडरशिप थी इंडिया में जो है पूरे ग्रीन रिवॉल्यूशन में, यानी हाई यील्डिंग वैराइटीज ऑफ सीड जो है वो इंडिया में इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किए थे, ठीक है। ये हमारा लास्ट टॉपिक था। आज हमारा जो फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट है वो खत्म हो चुका है। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो आपको जो कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे है आप उन पे फ्रीली जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज अपने फ्रेंड से जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा न्यू चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।